नमस्कार, आप देख रहे हैं आज। टाटा पहुंच सकता है, अदालत पहुंच सकता है टाटा में साइरस मिस्त्री को हटाने का मामला। टाटा ग्रुप ने दाखिल की कैविएट, साइरस की विदाई के बाद गिरे टाटा के शेयर। करण जौहर के 5 करोड़ के दान पर बोले रक्षा मंत्री पर्रिकर, कहा गर्दन पकड़वा कर नहीं, स्वेच्छा से दिए दान को लेती है आर्मी। आईबी मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा एमएनएस का दबाव बनाने का तरीका गलत, लेकिन किया फडणवीस का बचाव, बोले कभी कभी रेपिस्ट से भी करनी पड़ती है बात। सामना में हाजी अली दरगाह कमेटी की महिलाओं के एंट्री के फैसले का हवाला देकर सलाह लिखा, ट्रिपल तलाक के मामले में भी ऐसा ही रुख अपनाए मुस्लिम नेता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दी गड्ढे भरने की आखिरी डेडलाइन, 31 अक्टूबर तक भरे जाएं सभी गड्ढे। पीएलआई पर सुनवाई कर रही हाईकोर्ट ने एमएमआरडीए से उसके अधिकार क्षेत्र वाले गड्ढों को 31 अक्टूबर तक भरने को कहा। मुंबई के पवई में नाबालिग को किडनैप करके गैंगरेप, 3 के खिलाफ केस दर्ज। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक को गिरफ्तार किया, 2 फरार, मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि। मुंबई से सटे नाला सुपारा में कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत को जीतता देख एक शख्स को भरा दिल का दौरा, हुई मौत। मुंबई के बचगांव में आपसी रंजिश में दोस्त ने की हत्या, पत्थर से कुचलकर मार डाला। कोल्हापुर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की भीड़ ने जमकर के पिटाई, तमाशबीन बनी रही पुलिस। नासिक के मनवाल में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने जमकर की तोड़फोड़, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सोलापुर में नकली ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान 100 ड्रम ऑयल बरामद। मुंबई लोकल ट्रेनों में भीड़ कम करने का फैसला, रेल मंत्रालय करेगा 4 मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च। रेल मंत्रालय 55,000 करोड़ की लागत से बनाएगा 4 प्रोजेक्ट्स, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का फेज 3 भी होगा पूरा। मुंबई नगर पालिका के कर्मचारी को मिलेगी दिवाली का गिफ्ट, बीएमसी देगा 14,000 रुपए बोनस। विजय माल्या को विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पूछा जल्द बताएं 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हिसाब। अगले साल जीएसटी लॉन्च करने के लिए तैयार सरकार, वित्त मामलों के सचिव शशिकांत ने कहा। 31 दिसंबर की जगह मार्च 2017 तक बढ़ सकता है जियो का वेलकम ऑफर, कंपनी की सेवाएं संतोषजनक होने तक फ्री कॉलिंग डेटा का ऑफर। 87 अंक गंवाकर 28,091 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 17 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,691 पर बंद। सोने के दाम में गिरावट, 85 रुपए गिरकर 30,500 प्रति 10 ग्राम हुआ भाव। होंडा ने लॉन्च की अपनी लग्जरी सेडान कार अकॉर्ड, 37 लाख रुपए में मिलेगी 2 लीटर इंजन वाली हाइब्रिड कार। अजय देवगन की फिल्म शिवाय का दूसरा ट्रेलर जारी, एक्शन सीन्स को दी गई प्राथमिकता। लेकिन अब मुझे रुक गया। मराठी फिल्म भय का म्यूजिक लॉन्च, फिल्म के स्टार कास्ट के साथ रवीना टंडन और सोहेल खान भी पहुंचे। आमिर सलमान ने जवानों को प्रधानमंत्री के कैंपेन से प्रभावित होकर दी दिवाली की शुभकामनाएं।